नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 1/11। इधर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ साथ मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। और इस दौरान सबने क्या कुछ कहा, आइए जरा आपको सुनाते हैं। और पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक रूप से अपनी बातों को कहने का एक स्थान होगा। पिछड़ा वर्ग के लोगों को यदि कोई समस्याएं आएंगी तो उन समस्याओं के समाधान के लिए एक संवैधानिक रास्ता इस आयोग के माध्यम से निकलेगा और उस आयोग का जो निर्णय होगा वो संविधान के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा। जिन्होंने प्रथम अध्यक्ष बनाया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को, उसका हमेशा हम ख्याल रखें। बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। उनको मालूम है कि समाज का एक एक वोट एनडीए गठबंधन की झोली में जाने वाला है, तो कुछ पार्टी बनाकर उम्मीदवार खड़ा करके और मछुआरा समाज के वोट को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और इस समय अपने मछुआरा भाइयों से कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से मैं पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया उन्होंने पंचायत के चुनाव में अति पिछड़ों को से वंचित करने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।